हेलो दोस्तों, तो अब हो गई है रात। अरे यार, क्या कहना है सर। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गगन जोशी अपने नए ब्लॉग में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह हम लोग घूम रहे हैं, 7:30 बज चुके हैं दोस्तों। और कानू की तबीयत कल रात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, मतलब बुखार तो नहीं हुआ था, खांसी बहुत ज़्यादा करी इसने। और खुशी सुबह सुबह पढ़ रही है अपनी कहानियों वाली बुक्स जो लाई थी पन्नगर से। और दिशा और वैष्णवी भी अभी तक सोए हुए हैं, अभी तक उठे नहीं है, उनको उठाना है हमने। पता नहीं दिशा उठी नहीं, उठी उठ गई दिशा क्या? हाँ। अच्छा, दिशा उठ गई है, वैष्णवी दीदी सोई है मतलब। तो करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट और देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या नया होगा। और ये देखो, 8 बज गए हैं और वैष्णवी अभी तक सोई है। उठो बेटा, अब कितनी देर तक सोते हो तुम? उठो, ये भैया खींच रहा फटाफट उठाने के लिए। चलो आओ छत में चलते हैं, फटाफट आओ। और दिशा उठ चुकी है और दिशा भी आ गई है। और दिशा लाई है अमरूद, काटा मैंने है, दिशा लाई है तोड़ के अभी अभी। और ये देखो, वैष्णवी भी उठ के छत में आ गई है और रोबो की मालिश कर रही है। वैष्णवी भी देखो थपथपा आ रही है उसको। तो दोस्तों, मम्मी आ गई है घूम के सुबह से मॉर्निंग वॉक करके। और देखो क्या लेके आई है, क्या लेके आई है? पारिजात। हाँ, जामुन के टहनी। अच्छा, और नीम के पत्ते। क्या होगा इनसे? इनको उमालेंगे फिर पियेंगे। शुगर के लिए सही रहता है? हाँ। अच्छा, देखो शुगर की दवाई बता रही हूँ, शाम को उमालेंगे, सुबह पियेंगे। मम्मी इसलिए बता रही शुगर की दवाई, क्योंकि मम्मी को 325 शुगर है। और क्या क्या मिलाएंगे इसमें? तुलसी के पत्ते और सदाबहार और ये गिलोई। अच्छा, और कड़ी पत्ता। अच्छा, और आम के पत्ते, ये सब मिलाएंगे इसमें? आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, नींबू के पत्ते। मतलब गाय भैंसी बना दोगे तुम बिल्कुल। इसको पकाएंगे फिर शाम को, सुबह पियेंगे। अच्छा, इससे क्या कह रही है, सही हुआ इससे कुछ? हाँ, इससे सही हो। कितने दिन से पी रही है? ये हफ्ते से। अच्छा, तो मतलब असर हो रहा है इसका? और शरीर भी सही, मतलब फुर्ती वाला, फुर्ती हो रहा है। अच्छा, अब मतलब तू क्रिकेट खेल सकती है, फुटबॉल खेल सकती है। और ये देखो, ये वैष्णवी देखो रोबो के साथ, ये देखो रोबो के साथ खेल हो रहा है इसका। ये एक देही में बैठी है वो, देखो। और दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे एक गाय घूम रही थी, बल्कि खेत में चली गई थी, तो हमने इसको भगाया वहाँ से, तो पानी दे दिया, पानी पी लिया इसने। और अब ये फिर जा रही खेत को। देखो मज्जा, वहाँ डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। जैसे कि आज नवरात्रियों की नवमी है और रामनवमी है, तो ये देखो खुशी जा रही है आज कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी बनने जा रही है। जय माता दी। और ये देखो मॉडर्न कपड़े पहन के जा रही है कन्याकुमारी बनने। और ये देखो माही आई है, यहाँ हमारे पड़ोस में माही रहती है, ये लेने आई है इसको, खुशी को लेने जाओ, बाय। तो दोस्तों नहा धो के मैं हो गया हूँ तैयार और खाना भी आ चुका है। तो चावल दाल रोटी सब्जी है और मम्मी यहाँ बैठी है, और चटनी भी है साथ में। मम्मी यहाँ बैठी है, देखो। हेलो, मम्मी के साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया, तो अब निकल रहा हूँ ऑफिस को। मम्मी, चल रहा हूँ मैं ऑफिस को। पापा, कानू भी यहाँ पे। देखो दी, मेरे को क्या क्या दिया। अरे वाह वाह यार, कहाँ से लाई हो? वृंदावन से। अच्छा, अच्छा वाह। और खुशी आ गई है कन्या पूजन से और मैं अब ऑफिस को निकल रहा था, एकदम से खुशी आ गई फटाफट। चलो खुशी बाय, मैं सोचा था खुशी कब आएगी। और ये कानू बैठा, ये जब खुशी गई थी यहाँ से ना, तेरे को जाइए मतलब तेरे को 2 मिनट हुए होंगे, ये पूछने लग गया दीदी कब आएगी, दीदी कब आएगी, पीछे पड़ गया हमारे। अरे हमने कहा अभी तो पहुंची भी नहीं है वहाँ। कानू ने कहा होगा जरूर कि मेरे को कई दिन ले जाने। हाँ, कहते रहता है। तो दोस्तों 12:15 हो गया और मैं ऑफिस से गया था कानू की दवाई लेने, तो कानू की दवाई लेके आ गया हूँ मैं, कफ सिरप बच्चों वाली, तो ये देते हैं घर पे। और ये देखो यहाँ वैष्णवी बैठी है, दिशा ने आज नहा लिया है बड़ी मुश्किल से कह कह के, और खुशी यहाँ बैठी है, अम्मा यहाँ आराम कर रही है लेट के। कानू सो गया रात भर, इसको खांसी के चक्कर में बेचारा सोया नहीं है, मेरे को भी नहीं सुनी दिया इसने, और अब सोया है। इसकी दवाई लेके आया यार मैं कानू की, मैंने कहा पहुँचाता हूँ, उनने कहा अभी खिला देना और शाम को खिला देना, पिला देना मतलब वो कप सिरप। और यहाँ पे कानू को खिलाई जाएगी रोटी, इसके बाद इसको दवाई पिलाई जाएगी। चलो मैं निकल रहा हूँ ऑफिस को। मम्मी, चल रहा हूँ ऑफिस को। तो दोस्तों दिन के 2 बज चुके हैं, तो अब मैं निकल रहा हूँ घर को। पापा जी तो चले गए घर, क्योंकि भाई साहब और भाभी ना आज घर आए, तो चलते हैं घर को। और मैं घर पहुँच चुका हूँ। मम्मी क्या कर रही है? ओहो, अच्छा किसने? वो जिमी ने, बड़ा गंदा है यार जिमी, बताओ ऐसा काम कर रहा है जिमी, कहाँ है जिमी, देखते हैं। तू बहुत गलत करता है, तूने सुसु कर दी ना अम्मा की साड़ी में, कैसा गंदा बच्चा है यार तू, छी छी जिमी। भाभी नमस्कार, ये देखो भाभी आ गई, गंदी बात कर दी यार जिमी ने, जिमी गंदी बात कर दी है, देखो गंदी बात कर दी है, ये देखो कैसे बैठा है। देखो जिमी किचन में बैठा, किसका कुत्ता बैठता है किचन में, देखो ये जिमी है जो यहाँ आके किचन बैठता है हमारे यहाँ।
तो यहाँ पे देखिए घर का बना हुआ अचार है और ये सब्जी आलू गोभी की है। यहाँ बन रहे हैं पराठे, ये सिंपल पराठे मतलब रोटी वाले। और देखो यहाँ है रायता और यहाँ है दाल, यहाँ है चावल, यहाँ है चटनी। इतना आइटम खाना है हमने, अब चलो खा लेते हैं। नमस्कार क्या हो रहे हैं? बढ़िया बढ़िया। ये दिशा खाने लगी और कानू भी खाने लग गया खाना। कानू दवाई खा ली थी? ठीक है। और हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं सब लोग। तो खाना पीना हो रहा है यहाँ देखो, और खाना मैंने तो खा लिया और भाई साहब जो खा रहे हैं। अब देखो जिम्मू को पड़ रही है डांट। क्यों किया सता दी? अब इसको पता है ना, अभी बड़ी सर वो अभी बड़ी कोर्ट के अंदर जिमी छोटी तरह जिमी को डांट पड़ रही है। देखो क्यों करते हो तुम? हैं सता नहीं करते हैं क्या? ऐसे गंदी बात है ना, अब नहीं करना है। सता नहीं करते हैं बेटा, ठीक है? अब यहां क्यों किया सुसु? ये जहां जाता है वहीं सुसु कर देता है। वहां करो जा। दोस्तों शाम के 6 बजने वाले हैं और मैं जाने वाला हूं घर को। और आज मैं पानी ना ये देखिए डब्बे में यहीं से ले रहा हूं ऑफिस से, क्योंकि घर में ना ट्यूबवेल खराब हो रखा है बता रहे गाँव में। तो और दिन मैं घर से आता था एक डब्बा पानी ऑफिस के लिए, जो कि हम कार में रख लाते थे। तो आज मैं स्कूटी में रख के यहीं से पानी भर के ले जा रहा हूं घर के लिए। क्या पता घर जाके पता करेंगे कि ट्यूबवेल सही हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल यहां से ले जाते हैं। मैं तो 2 डब्बे पानी लाया मम्मी वहां से, मैं ट्यूबवेल में नहीं आ रहा पानी, ट्यूबवेल खराब है करके मैं डब्बे पानी लाया 2 ये भर के ऑफिस से। और ये देखो दोस्तों ट्यूबवेल हमारा सही हो गया, पानी आ रहा है। मैंने सोचा पानी नहीं आ रहा होगा तो मैं ले आया था, चलो सही हो गया, पानी आ गया, ट्यूबवेल सही हो गया। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और बहुत ज़्यादा आधी तूफान आ गया यार हमारे यहाँ को, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से भयंकर ही तूफान आ गया है। और अब खाने की तैयारी हो रही है, तो हम लोग करते हैं अब खाने की तैयारी, डिनर की तैयारी। और मुझे तो अभी 9 बजे से नींद आने लगी, पता नहीं क्या हो रहा है। और भाई साहब और भाभी चले गए थे यार मेरे ऑफिस से घर पहुँचने तक। कितनी देर पहले गए थे खुशी मेरे आने से? बहुत देर पहले। अच्छा हाँ वो चले गए थे यार, मैं मिल नहीं पाया उनसे जाते समय, चलो फिर मिलेंगे अब उनसे। और कानू ने खाना खा लिया हमसे पहले ही, अभी हमने खाना नहीं खाया, कानू ने खाना खा लिया। और दवाई पी ली तूने? हाँ? खा ली दवाई? हाँ? और पापा ये खा। हाँ? ये दिशा दी है मेरी कृष्णा जी की। अरे वाह कृष्णा जी है ना छोटे। हाँ? गुड। तो दोस्तों 9 से ज्यादा टाइम हो गया और डिनर हमारा तैयार हो गया। 2 सब्जियां आज और रायता है रोटी है, तो कर लेते हैं डिनर। तो दोस्तों रात के 12 बज चुके हैं और बच्चे तो कब के सो चुके हैं। मैं भी सो चुका था, अभी दोबारा उठाऊँ मैं। और यहाँ लाइट नहीं है तो एडिटिंग भी नहीं हो पा रही, क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी काफ़ी डाउन हो चुकी है। तो करते हैं दोस्तों आज के ब्लॉग को एंड। आई होप दोस्तों ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। तो दोस्तों रात के 10 बज गए हैं और यहाँ पे पापा भी सो पापा उठ गए हैं और कानू यहाँ पे सो गया है और मम्मी मोबाइल में लगी है। तो हम करते हैं ब्लॉग को एंड। आई होप दोस्तों आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।